अब आपको यूपी के सुल्तानपुर लिए चलते हैं, जहां पर राहुल गांधी मानहानि के एक केस में कोर्ट पहुंचे थे। पेशी के दौरान राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा कि वो बेकसूर हैं और उन्हें सियासी वजहों से केस में फंसाया गया। आज राहुल गांधी की इन चार तस्वीरों की चर्चा पूरे दिन हुई। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब मानहानि के केस में राहुल यूपी के सुल्तानपुर के कोर्ट में पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर कोर्ट से लौटते वक्त जब राहुल गांधी एक मोची की दुकान पर रुके और मोची रामचेत से 5 मिनट तक बातचीत की। तीसरी तस्वीर उस वक्त की है जब राहुल गांधी सुल्तानपुर में नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों से मिले। और चौथी तस्वीर रेलवे के लोको पायलट से मुलाकात की है। दिल्ली में लोको पायलट से मुलाकात के बाद यह दूसरा मौका है जब राहुल गांधी लोको पायलट से मिले। सबसे पहले आपको दिखाते हैं राहुल गांधी और मोची रामचेत के बीच क्या बातचीत हुई। आप देख सकते हैं मोची रामचेत की दुकान पर राहुल गांधी रुके, करीब 5 मिनट तक बातचीत की। इस दौरान राहुल ने जूता बनाना सीखा। आज तक से बातचीत में मोची रामचेत ने पूरी कहानी सुनाई। हाँ जी, हमारे धंधे के विषय में सारी बात की। हमने उनसे बोला है कि पूंजी से कमजोर हूँ, गरीब हूँ, कुछ मदद कीजिए। अच्छा, तो क्या वो अभी एक आपका कुछ सामान भी देख रहे थे, क्या उन्होंने जूता उता भी बनवाया क्या? ट्रेनिंग लिया थोड़ा, धाका लगवाया। हाँ अच्छा, हाँ क्या करवाया? सिलाई कर किए थोड़ा से। अच्छा अच्छा, किस तरह से बनाते हो? अच्छा अच्छा अच्छा, तो राहुल गांधी जी ने खुद जूते को सिल के देखा। हाँ जी, क्या अपने लिए भी कुछ बनवाया? नहीं नहीं, अपने लिए नहीं। अपने जूता सिला, कौन सा जूता सिला था जरा दिखाइए। चप्पल सिले, दिखाइए इसको भी लगाए हैं क्या? दिखाइए, इसको चिपकाए हैं। अच्छा, इसको चिपकाए हैं, सिलाई की है। मोची रामचेत के मुताबिक राहुल गांधी ने उनकी माली हालात के बारे में पूछा और आर्थिक मदद का भरोसा दिया। रास्ते में ही राहुल गांधी ने नीट पेपर को लेकर छात्रों से बातचीत भी की। नीट वाले कौन है? इतने दिन से सर, इतने दिन से दिक्कत हो रही है, हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं, क्या सोल्यूशन नहीं है? सोल्यूशन आपके मुताबिक क्या है? मेरे मुताबिक फिर से एग्जाम हो। सर एग्जाम हो, वही सोल्यूशन है, यही सोल्यूशन है सर। बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पे, मतलब आपने कितनी बार लिया है नीट का एग्जाम? सर इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट था सर, लेकिन अगर कितने वोट कितने आए सर? 600 621 आए सर। आपको क्या लगता है पेपर लीक हुआ है पूरा? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। आप सुन सकते हैं कि नीट की परीक्षा दे चुके छात्रों ने पेपर लीक की शिकायत की। वहीं सुल्तानपुर में ही राहुल गांधी ने लोको पायलट से मुलाकात की। मैं सोच रहा हूं कि 21वीं सदी में लोकोमोटिव जो पायलट होता है उसको एसी नहीं देना, टॉयलेट नहीं देना, मतलब ये बिल्कुल गलत है, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। आप इतने घंटे ट्रेन चलाते हो, कम से कम इतनी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि भैया आप हिंदुस्तान को मतलब घुमा रहे हो, मूव कर रहे हो, मोबाइल बना रहे हो, तो इतनी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कितनी कॉस्ट लगेगी? कोई बड़ी बात नहीं है, तो बताइए क्या चाहिए आपको। यहाँ मौजूद सभी लोको पायलट ने एक सुर में कहा कि राहुल गांधी ने उनका मुद्दा उठाया तब कहीं जाकर सरकार की नींद टूटी। देश में रेलवे एक्सीडेंट्स होते हैं तो ये सवाल कोई क्यों नहीं पूछता कि भैया अगर ये रेलवे एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप जो लोको पायलट्स हैं उन पर इतना टेंशन डाल रहे हो, उतना दबाव डाल रहे हो, उतनी फैसिलिटी नहीं दे रहे हो, तो एक्सीडेंट होंगे ही होंगे। तो अगर एक्सीडेंट कम करना है तो इनकी देखभाल करनी पड़ेगी। अगर इनकी देखभाल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, अगर आप इनको ज्यादा काम करवाओगे। राहुल गांधी ने सभी को यकीन दिलाया कि उनके हक की आवाज उठाते रहेंगे और सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि राहुल गांधी अलग अलग तबके के लोगों से सीधे मिल रहे हैं और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। सुल्तानपुर से आशीष मिश्रा आज तक।